गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के क्या टाइम देख सकते हैं, दिख रहा होगा तो 9 o'clock हो गई है। आज मेरे ऑफ डे है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रेस्ट कर ली। रोज तो मॉर्निंग में उठकर भाग दौड़ करना ही होता है, आज मैं सबसे थोड़ी सी ज़्यादा सो लेती हूँ। और इन लोग का तो रोज अभी जब से हॉलीडे हुआ है इन लोगों का मस्ती ही मस्ती है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये सोई हैं और यहाँ पे ये सोए हैं और मैं चले हूँ अब किचन की ओर। पहले आती हूँ फ्रेश वॉश करके, उसके बाद चलती हूँ किचन की ओर, देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा और छोटी सी ब्लॉग डालूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो भी आप लोग का रिक्वेस्ट होता है। दीदी जैसा भी ब्लॉग डाल दो, बट आप डाल दो, आपको देख के सुकून मिलता है कि आप कैसे हो, अच्छे से हो, कैसे हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को छोटा छोटा क्लिप डेली दे दूँ, ओके। तो मैं पहले चलिए फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद किचन में देखती हूँ क्या करूँ। तो गाइस यहाँ पे सुबह सुबह हुआ, आप लोग का वजन वाली का दर्शन, लाइव दर्शन देख सकते हैं। और ये ना वो गिराने का कोशिश कर रहा था जो शीशे लगे हुए हैं ना, देखो शीशा लगा हुआ है बजरंग बली, और गिर जाओगे या देख रहे हैं अपने आप को, उसने भाग रहा है उधर, भाग रहा है इधर, न छलांग मार रहे थोड़ा डर रही थी सामने, बिल्कुल नहीं जा रही थी, दूर से वीडियो शूट कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो जो है ऐसा आया है। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप लोग को दिखाने के लिए मैं बस शूट कर ली हूँ। सुसु कर रहा है कि पानी गिरा हुआ है, क्या गिरा नहीं, सुसु कर दिया, सच में किया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं कॉफी बनाई हूँ और बहुत दिन के बाद कॉफी पी रही हूँ। आप लोगों को पता है कि टी और कॉफी वगैरह अभी मैं लेना छोड़ दी हूँ, बट आज हो गया है लेट तो मैं सोची कि चलो कॉफी बना लेती हूँ। और यहाँ पे दूध बॉयल कर दी हूँ कि जो भी बच्चे को अभी दूध और बिस्किट दे दूंगी, लेट हो गया है। और यहाँ पे अभी सब्जी के लिए बंद गोभी और आलू बॉयल होने के लिए चढ़ाई हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके से बंद गोभी बनाती हूँ, आलू और बंद गोभी बॉयल कर देती हूँ, उसके बाद हल्दी नमक डाल के और उसके बाद फ्राई करती हूँ जो मसाले का साथ प्याज के साथ लगाती हूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ओके। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें अभी भुजिया फ्राई की थी इसलिए थोड़ा काला काला लग रहा है, तेल डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उबाइल कर ली हूँ बंदा गोभी और आलू, और हल्दी और नमक डालकर उबाइल की हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर ली हूँ, एक हरी मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च एक इसलिए कि जो हमारा है मसाला उसमें भी मैं हरी मिर्च ग्राइंड की हूँ, तो इस वजह से एक ही डाली हूँ। और यहाँ पे तेल हीट हो गया है तो इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, आज को तेज कर लेती हूँ, बिल्कुल लो पे था। अब प्याज को फ्राई करूँगी और टमाटर एक कट की हूँ छोटा सा, इसको पता है टमाटर बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे, 80 रुपये केजी हो गया है, तो अभी थोड़ा कम यूज कर रही हूँ है ना, और मुझे ज़्यादा खपत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है कितना कॉस्टली क्यों हो गया। मैं 250 ग्राम खिलाऊंगी तो एक टमाटर डेली यूज होता है, सोचो 4-5 भी चढ़ गया तो बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए, और फ्रिज में मैं मसाला ग्राइंड करके रखी हूँ, कल ही कर ली थी क्योंकि पहले जो मसाला ग्राइंड करती थी तो सारा सब्जी में यूज करना पड़ता था और उतना सब्जी होता नहीं है तो मसाला बहुत तेज हो जाता था, बट अब है कि देखिए कल यूज की हूँ आज भी लहसुन और हरी मिर्च और काली मिर्च का ये पेस्ट बना हुआ है, तो ये हर मसाले में हर सब्जी में यूज हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा बनता है। और देखिए अभी बेडशीट वगैरह सारा हटाई हूँ, सारा अभी सही करूँगी,
आज बेडशीट चेंज करूंगी कि ऑफ डे है, आज सारा वॉश करूंगी, अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी गाइज, और इसके आगे जो भी काम होता है मैं अभी स्टार्ट करूंगी दूसरा ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, और आप लोगों का कमेंट का वेट रहेगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए मॉर्निंग में सुबह बजरंगबली का भी दर्शन आप लोग को करा दी मैं। मॉर्निंग में सुबह नज़र पड़ गया, सीढ़ियों पे निकली तो बजरंगबली बैठे हुए थे। तो चलो आशा करती हूँ कि सभी के लिए शुभ हो, और मैं तो अपने आप पे कोई आशा ही नहीं करती हूँ कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है, बट कोई नहीं है ना। तो चलिए यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आते हैं तो वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Finally, bye bye guys.